नमस्ते और प्रणाम दोस्तों, मैं मनीष आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो पर बने रहने से पहले एक बार आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर आपने अभी चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल पहले सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज का वीडियो है बहुत ही रोचक। यह वीडियो महाभारत के समय का है। यह सिर्फ और सिर्फ उस वीर पुरुष को समर्पित है जो कि पूरे महाभारत युद्ध में सिर्फ और सिर्फ अपने बल पे नंबर एक पे था। मतलब कह सकते हैं नंबर एक सूरवीरों में सिर्फ उसका नाम लिया जाता है। उसका नाम है महारथी कर्ण। ऐसे कई बातें कर्ण से संबंधित जो शास्त्रों में लिखी गई है, कही गई है। वैसे आज का बात है कि कर्ण के पास कैसे कैसे दिव्यास्त्र और अस्त्र शस्त्र थे। आइए जानते हैं उन अस्त्रों के बारे में। अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिरास्त्र, ब्रह्मांड, भार्गव, गरुण, नागास्त्र, नागपाश, कई ऐसे दिव्यास्त्र जो अस्त्रों को मंत्रों द्वारा प्रकट किया जा सकता था और संदान किया जा सकता था। ऐसा कौन सा अस्त्र था जिसे कर्ण ने बचा कर रखा था और वह प्राप्त कहां से किया था? ऐसा अस्त्र जो कि श्री कृष्ण भी अर्जुन को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि वह अस्त्र इतना अचूक था, उसका कोई काट नहीं था। तो आइए जानते हैं कि उस अस्त्र के बारे में कि वह अस्त्र आखिरकार कर्ण को मिला कैसे। दरअसल बात उस समय की है, महाभारत युद्ध के पहले देवराज इंद्र जो है कर्ण से मिलने के लिए आए और उनसे बोला, कहा कि आप अपना जो है, कर्ण तो दानवीर थे, उनसे उन्होंने आग्रह किया कान का कुंडल और कवच वो मुझे दे दीजिए। कर्ण जान गया था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। कर्ण ने देवराज इंद्र से कहा कि आप मेरे कान के कुंडल और मेरा कवच ले लीजिए, लेकिन बदले में मुझे शक्ति अस्त्र आप दे दीजिए। उस अस्त्र का नाम था वासवी। वासवी इंद्र के द्वारा दिया गया कर्ण को वो अस्त्र है जिसे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारा जा सकता था कर्ण के द्वारा। कर्ण जो है ये जानता था कि उसके साथ हर संभव ऐसा होगा जो वह नहीं सोच सकता था, इसीलिए उसने देवराज इंद्र से वासवी अस्त्र लिया। कर्ण जैसा पराक्रमी योद्धा और एक ऐसा योद्धा जिसके पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनसे वह कभी पराजित नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वह पराजित हुआ? इसके होने का कारण मैं आपको बता दूं कि वह अधर्म की ओर था। धर्म की ओर तो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव कृष्ण जी थे, तो इस वजह से कर्ण को हारना पड़ा। आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी ने कैसे अर्जुन को बचाया। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम।